सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुराचार मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव के अनुसार 2 फरवरी को प्रार्थी ने सदर थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर बताया कि 30 जनवरी 2023 को उसकी नाबालिग पुत्री को करणपुरा प्रतापगढ़ निवासी हमीद काठा डरा धमका कर तथा बहला फुसला कर भगा कर ले गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जाँच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त हमीद काठा की तलाश की गयी। अभियुक्त शातिर व चालाक किस्म का होने के कारण पुलिस की पहुंच से हमेशा बाहर रहा। पुलिस टीम द्वारा राज्य व राज्य के बाहर कई संभावित स्थानों पर तलाश की गई। इस दौरान अभियुक्त बार बार जगह बदलता रहता था और किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। अपनी पहचान छुपाने हेतु अपना नाम बदलकर अलग अलग जगह काम करता था। वह साथियों से अपनी जरूरत के लिए फोन इस्तेमाल करता था। घटना के संबंध में मुखबिर मामूल किए गए तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपी के संदिग्ध ठिकानों की जानकारी जुटाई जाकर विशेष रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत आरोपी को पाली से गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट के एक अन्य प्रकरण में मोहित परिहार पुत्र नेमीचंद परिहार जाति माली निवासी बावड़ी बेरा मगत पूजला जोधपुर पुलिस थाना भाता का धान जिला जोधपुर को डिटेन कर थाना ब्यावर सदर लेकर आए, जहां पर उसने पूछताछ के दौरान जुर्म स्वीकार कर लिया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना के मुकदमा नंबर 151 में नाबालिग लड़की को बेला फुसला के भगा के ले जाने के मामले में मुलजिम मोहित परिहार निवासी मगरा पुंजला जोधपुर को गिरफ्तार किया, जो बाल अनुसंधान आज न्यायालय में पेश किया जाए। थाना ब्यावर सदर में मुकदमा नंबर 51 जो लगभग 1.5 महीना पहले का था, जिसमें फरार मुलजिम पॉक्सो और 376 में वंचित था, जो थाना इलाके की एक लड़की नाबालिग लड़की को बेला फुसला के भगा के ले गया, जिसमें आज हमीद पुत्र हमीद काठात निवासी करणपुरा ढाणी रासपाली को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूरा किया, जिसको आज न्यायालय में पेश करेंगे।